जो स्त्रियां चाहती हैं मुझे खूब सुविधा मिले, अच्छा महल रहने को मिले, अच्छी साड़ी पहनने को मिले, अच्छी चूड़ियां कलाई में खनखनाती रहें, जो स्त्रियां चाहती हैं गले का हार इतना बड़ा हो कि कमर तक लटकता रहे, उनके लिए एक बहुत बड़ा मंत्र है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, केवल अपने पति का मनोबल बढ़ाइए, आत्मबल बढ़ाइए, ऐसे शब्द बोलिए कि आपका पति खुश रहे, प्रसन्न रहे, गदगद रहे, तो आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाए। लेकिन ऐसी बहुत कम स्त्रियां हैं, ज्यादातर स्त्रियां तो उल्टा इंजेक्शन मारती हैं, पति लोग बेहोश हो जाते हैं, शाम तक होश आता तो दोबारा इंजेक्शन रात में मार देती। कितने लोग तो अपनी पत्नी को देख करके कांप जाते हैं, ऐसे जैसे बिल्ली को चूहा देखता कांपता है, ऐसी हालत है, देखते हैं अरे ये शेरनी कब ना टूट पड़े मेरे ऊपर, बहुत खतरा है। कितनी स्त्रियां तो अपने पतियों को इतना डांटती है बेडरूम में, पूरी लंबाई बढ़ा देती है, तो क्या समझ रखा मूर्ख है, पागल है, बुद्धू है, पति हाथ जोड़कर कहता श्रीमती जो कहो वही हूं। पर इस तरह अपने पति को कभी मत बोलिए, याद रखना तुम्हारा सौभाग्य है जो तुमको वैसा पति मिला है, उसका मनोबल बढ़ाइए, आत्मबल बढ़ाइए, और कहिए कि मैं किस्मत वाली हूं जो तुम जैसा हमको पति मिला है, ये भी कहिए। और जो पुरुष चाहता है कि मुझे अच्छा भोजन खाने को मिले, घर क्लीन मिले, सामान सेटिंग से मिले, और घर की साज सज्जा सही रहे, अतिथि का सत्कार खूब अच्छा हो, तो बस एक ही काम करना, सवेरे उठ करके गुरु मंत्र जपो न जपो, देव मंत्र जपो न जपो, अपनी पत्नी को बोल देना देवी तुम अगर ना होती तो ये घर नहीं संभलता, धन्य हो तुम इसको संभाले हो, बस फिर आपकी पत्नी का मनोबल जग जाएगा, वो जुट जाएगी, फिर ऐसा दौड़ दौड़ के काम करेगी जैसे मारुति कार भागती है, ऐसे भागेगी। इनको भी जुटाना सीखो, अपने बूढ़े सास ससुर से भी काम लेना सीखो, बूढ़े सास ससुर से ये कहा करो कि आप जितने बुद्धिमान हो हमारे पास इतनी बुद्धि नहीं है, सासू जी तुम संभालते रहना, मैं तो छोटी हूँ कम बुद्धि है और आपका ही सहारा है, देखना सासू लंबी होकर बैठेगी और बोलेगी जब तक मैं हूं तुझे क्या चिंता है, मैं सब करूंगी, और फिर सासू दौड़ दौड़ के काम करे तो पीछे से मुस्कराए कि जय सासू जी जुटी रहो। उससे भी काम लीजिए, सासुओं को काम लेना सीखो उनसे। मेरा गुरु 99 साल का है, मैं उससे अभी भी काम ले रहा हूं, हाँ, उसको दौड़ाता हूं, गुरु को दर्शन वही देते हैं, गुरु मंत्र देते हैं, प्रवचन भी सुनाते हैं, वो जहाँ रहते हैं वहाँ सामने सब्जी लगी है उसकी देख रेख निरीक्षण वही करते हैं, आश्रम का साफ सफाई का डायरेक्शन देते हैं, और मैं बोल देता हूँ गुरुदेव आपका ही सहारा है, हम लोगों के पास इतनी बुद्धि भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, तो बोलते हैं जब तक मैं हूँ तुम टेंशन क्यों लेते हो, तुम जाओ प्रवचन करो, मैं ताली बजा कर निकल आता हूँ। सच बताता, हमारे आश्रम के जो छोटे गुरुजी हैं ना, उनको अभी वे 95 साल के छोटे गुरुजी, तो मैं उनको बोला, थोड़ा कमजोर थे, मैंने बोला साहेब आप कमजोर हो रहे हो, अब हमारी देखरेख कौन करेगा, तो उठ के बैठ गए, बोले तुमको कौन परेशान करता बताओ, उसको मैं ठीक कर दूंगा, वो खुद उठ नहीं पाते हैं, उठ के बैठ गए, बोले ठीक कर दूंगा। दूसरों की प्रशंसा करना भी सीखो,
और अपने माँ बाप की कभी कभी प्रशंसा जरूर किया करो, क्योंकि देवी देवता का सुमिरन कितना ही करो पर उनको कभी साक्षात देखा नहीं है। भगवान का सुमिरन कितना करो साक्षात मिलन हुआ नहीं है, लेकिन तुम्हारे माता और पिता ये देवी देवता का बदला हुआ रूप है, चेंज रूप है। इनको अगर धन्यवाद दोगे, इनको अगर सम्मान दोगे, वो सम्मान सृष्टि के देवी देवताओं को प्राप्त होगा और फिर सृष्टि के देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। इसलिए अगर देवी संपदा का आशीर्वाद लेना है तो कृपया माता पिता का सम्मान कीजिए और उनको धन्यवाद भी दीजिए, उनके चरण छूकर प्रणाम कीजिए। कितने बेटों को देखा जाता है सबसे ज्यादा नाराज तो अपने बाप से ही रहते हैं, बहुत खफा, सब रफा दफा, कोई नहीं वफा, सब खफा। माँ बाप भी सोचते हैं जिंदगी भर मर मिटा करते करते और ये ऐसा महाकाल पैदा हुआ है। एक तो महाकाल उज्जैन में था, ये मेरे घर में ही महाकाल पैदा हुआ। खाम खां क्रोध करता है, ना समझी की बात करता है। जो तुम्हारे पिताजी ने किया है वो बहुत है, जो और जरूरत है तुमको करने को मना कौन करता है। जो तुम्हारे गुरु ने कर दिया, आश्रम बना दिया, वो बहुत है। जो और तुम्हें जरूरत है तो तुमको मना कौन कर रहा है, उससे बड़ा बना लो। गुरु पे नाराज क्यों होते हो, पिताजी पर नाराज क्यों होते हो, माँ से टेंशन क्यों करती हो। सास ससुर से खफा मत होइए, बल्कि सास ससुर से कहिए तुम ही मेरे वफा करने वाले हो और सारी गलतियों को रफा दफा करने वाले हो। सास ससुर के रूप में तुम हमें देवी देवता मिले हो। तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें, तुम्हें सर्वम मम देव देव, तुम्हें विद्या द्रविड़म तुम्हें, तुम्हें सर्वम मम देव देव। सास ससुर का सम्मान करने वाली नारी भले पूजा करने मंदिर में न जाए, फिर भी उसकी मनोकामनाएं पूरी होती चली जाती है। मंदिर में फूल लेकर तुम खड़ी रहो कि या देवी सर्वभूतेश, और अपनी सासू की टांग पटक कर मारो, कुछ भी मिलने वाला नहीं। क्योंकि वो मंदिर की देवी भी समझती है जब सासू की इस तरह दशा कर रही है और मैं इसको कहीं दर्शन दिया मेरी टांग पटक के मारेगी तो क्या करूंगी, वो मिलने वाली नहीं। इसलिए घर को मंदिर जैसा बनाए। मंदिर को तो मंदिर रहने दो, मंदिर को घर मत बनाओ। कितने पुजारियों ने, कितने चुट्टों ने, कितने झूठों ने मंदिर को अपना घर बना दिया और कितने बेईमानों ने आश्रमों को अपना घर भूरा बना दिया। आश्रम को आश्रम रहने दो, मंदिर को मंदिर रहने दो, लेकिन जो तुम्हारा घर है इसमें आश्रम जैसी साधना होनी चाहिए और मंदिर जैसी पूजा होनी चाहिए और घर के लोग नर नारी देवी देवता जैसे पवित्र विचार के होने चाहिए, तब आपका जीवन स्वर्ग हो जाए। जिन्होंने मंदिरों के लिए जमीन दान दिया, मंदिरों के लिए धन दान दिया, आश्रमों के लिए धन जमीन दान दिया, तुम कौन होते हो उस मंदिर आश्रम को अपना पर्सनल घर बनाने वाले? शर्म नहीं आती है?